प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुई जिसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं जिससे आज आपको अवगत कराने के लिए हम यहाँ पर आए हैं मैं सबसे पहले तो माननीय रेलवे मंत्री टेलीकॉम एवं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हमारे माननीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूँ मेरे सहयोगी श्री एल जी जो हमारे एम हैं फिशरीज भी और साथ में इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के भी अरुण गोयल जी अंशु प्रकाश जी उपस्थित सभी मीडिया के मित्रों जैसा आपने देखा है पिछले कुछ वर्षों में मेक इन इंडिया प्रोग्राम को बल देने के लिए और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार एक के बाद दूसरी योजना को बल दिया गया है और प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स बहुत कारगर साबित हुई हैं अलग अलग क्षेत्रों के लिए इन योजनाओं को पहले भी लागू किया गया और हर क्षेत्र में इसका लाभ देखने को मिला है आज सरकार ने भारत में विनिर्माण की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ऑटो उद्योग ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री जो है उसको और ड्रोन इंडस्ट्री इन तीनों को प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम इनके लिए लेकर आए हैं द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम फॉर ऑटो इंडस्ट्री ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री ड्रोन इंडस्ट्री टू इन्हांस इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज और इस योजना में कुल मिलाकर छब्बीस हजार अट्ठावन करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है पी स्कीम जो हमारी ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री और ड्रोन इंडस्ट्री के लिए इसके कुल मिलाकर छब्बीस हजार अट्ठावन करोड़ का प्रावधान किया गया है जिसमें से ऑटो सेक्टर के लिए पच्चीस हजार नौ सौ अठतीस करोड़ रुपए का प्रावधान रहेगा और ड्रोन सेक्टर के लिए एक सौ बीस करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा इस योजना से देश में एडवांस ऑटोमोबिल व्हीकल्स और ऑटो कॉम्पोनेंट्स और ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को काफ़ी निर्माण करने में बल मिलेगा और इन क्षेत्रों में चैम्पियन इंडस्ट्रीज़ को विकसित करने का मार्ग भी प्रशस्त होगा अनुमान है कि पाँच वर्षों में लगभग सैतालीस हजार पाँच सौ करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश होगा और लगभग सात लाख साठ हज़ार व्यक्तियों के लिए रोज़गार के अतिरिक्त अवसर मिलेंगे इसके अलावा भी जैसा मैंने कहा कि इंसेंटिव छब्बीस हजार करोड़ पे के अगले पांच वर्षों तक रहेंगे इससे जहां एक और नई इन्वेस्टमेंट आएगी तो दूसरी और ये भी कहना चाहता हूं कि जो पहले की हमने पीएलआई मैन्युफैक्चरिंग स्कीम्स को देखें पीएलआई स्कीम्स को देखें उसमें मोबाइल फोन्स पर मेडिकल डिवाइसेस पर एपीआई पर इनको पहले 2020 में अनुमोदित किया गया था और उसके उपरांत 2020 के बाद 10 और चयनित सेक्टर्स के लिए पीएलआई स्कीम्स को इन प्रिंसिपल मंजूरी दी गई थी इनमें से नौ विस्तृत पीएलआई स्कीम्स को अनुमोदित अब तक किया जा चुका है और दसवीं आज आप सबके सामने मैंने उसका उल्लेख किया है